हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अभी और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने बालों की हेल्थ बढ़ा सकते हैं और उनकी केयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी डेली हेयर केयर रूटीन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बालों के झड़ने में दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है प्रॉब्लम और दूसरा कंडीशनल। अगर आपके बाल झड़ना अगर आपकी एज से पहले यानी कि अगर 19-20 साल से ही स्टार्ट हो गए हैं तो इसके लिए आप अपने नियरिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। और दूसरा है कंडीशनल, ये एक सर्टेन एज होने के बाद में बाल का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बहुत बात की बात है। आज हम डेली हेयर केयर रूटीन के बारे में बात करने वाले हैं कि डेली बेसिस पे आप अपने बालों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। जब हम बात करते हैं बालों का ध्यान रखने के बारे में तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे बालों की केयर करना और दूसरा हमारे स्कैल्प की केयर करना। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट इन पे डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले आता है ऑयलिंग। ऑयलिंग हमारे बाल में फर्टिलाइजर का काम करता है। जैसे कि खेतों में फसल बढ़ाने के लिए हम लोग खाद का यूज़ करते हैं, वैसे ही ऑयल हमारे बालों को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब ऑयलिंग करने के भी कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने ऑयलिंग करने के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऑयलिंग से और भी अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप ऑयल को यूज़ करने से पहले उसे हल्का गर्म कर सकते हैं। इससे जब आप ऑयल अपने स्कैल्प पर लगाएंगे तो उसके पोर्स और भी ज़्यादा खुल जाएंगे और ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। साथ ही जब आप ऑयलिंग करते हैं तो अपने फिंगर से अपने हेड पे अच्छे से मसाज करना चाहिए, जिससे कि हमारे स्कैल्प पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ सके। ये आप वीक में 2 बार कर सकते हैं और अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो वीक में 3 बार भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऑयलिंग के बाद हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ये आप 1 आवर के बाद भी कर सकते हैं या फिर ओवरनाइट रखने के बाद भी हेयर वॉश कर सकते हैं। ऑयलिंग के और अच्छे रिजल्ट के लिए आप ऑयल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप अलग अलग तरह के ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलग अलग वेजिटेबल खाने से हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं, वैसी अलग अलग तरह के ऑयल यूज़ करने से हमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल और भृंगराज तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट्स पे। तो जिस वेदर में हम रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, इस वेदर की वजह से हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप वीक में 1 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, तो वीक में 1 बार ही यूज़ करें। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर वीक में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी दिन आप बिना केमिकल वाले आयुर्वेदिक शैम्पू का यूज़ भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कंडीशनर। अगर हेयर वॉश करने के बाद में उलझते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कंडीशनर ऑयल बेस होता है तो इसे अपने स्कैल्प पे ना लगाएं। हेयर को शाइन देने के काम आता है और हेयर को हाइड्रेट रखता है। कंडीशनर लगाने के बाद उसे 3-4 मिनट तक छोड़ दें, देन वॉश कर सकते हैं। हमारा 4th पॉइंट है हेयर वॉश रूटीन। बालों को धोने के बाद में कॉम्ब यूज नहीं करना है। गीले बालों में आपको टॉवल रब नहीं करना है, केवल डैप कर सकते हैं पानी सोखने के लिए। अगर आपके कर्ली बाल हैं और आप इसी वजह से कॉम्ब यूज नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्ब केवल हमारे बालों को शेप देने के ही नहीं बल्कि हमारे स्कैल्प पे मसाज करने के भी काम आता है, जिससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। 5th और आज के लिए आखिरी पॉइंट है हेयर प्रोडक्ट। हमारे हेयर में लगाने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब 2 कैटेगरी में बटे हुए, लाइट हेयर प्रोडक्ट्स एंड हैवी हेयर प्रोडक्ट। लाइट हेयर प्रोडक्ट्स में आता है हेयर सीरम, हेयर क्रीम, इन्हें आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। ये सब भी ऑयल बेस होता है तो केवल आपको बालों में ही लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना। दूसरा है हैवी हेयर प्रोडक्ट, इसमें आता है हेयर वैक्स, हेयर जेल, हेयर पोमाड, ये सब बालों को शेप देने के काम आते हैं। ये सब बहुत हैवी होते हैं तो बहुत कम ही यूज़ करें, महीने में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि यूज़ करने के बाद हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आज के कुछ बेसिक इजी हेयर केयर रूटीन टिप्स। इसके बाद हम एक और वीडियो में एडवांस में बात करेंगे, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, PRP या हेयर पैचेस वगैरह। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।